गाइस अब मछली फ्राई करने के लिए मसाला ऐड कर दे रहे हैं इसमें थोड़ा। हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो मनोज शर्मा ब्लॉग का। दोस्तों सुबह हो चुका है और सुबह का सूर्योदय हो चुका है। इधर खाना बनने की तैयारी हो रहा है तो खाना में आज बनने वाला है, ये देखिए, कटहल की सब्जी। तो देखिए इस तरीके से जो छोटा छोटा कटहल होता है ना, वो बनाने सब्जी बनाने में कुछ अच्छा ही रहता है, अच्छा लगता है। जो ज़्यादा हो जाता है मोटा, वो उसका स्वाद अलग जैसा रहता है। देखिए, ए सुन बाबू, इधर देखो रे, चलो बाल तेरा कटवा देते हैं। देखो इसका बाल भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा, इसका बाल कटवा देते हैं। चलो बेटा चलो, तेरा बाल कटवा दें। चलो चलो फिर पैंट पहन लो, पैंट पहनो। तो भाई ये देखिए, सोनू बाबू और हम लोग जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए। सोनू बाबू का चलो, तुम नहीं कटाएगी? क्यों नहीं कटाएगी? तू कटाएगा रे बाबू? हाँ। बाल कटवाएगा ना? हाँ। चलो कटिंग वाला दुकान पहुंच गए। इधर का ऐसा है नज़ारा, सोनू बाबू मैं बैठा हूँ, है ना सोनू बाबू? सोनू बाबू का बाल आज कट जाएगा है ना बेटा? कौन सा कटिंग कटाएगा? टू साइड कटवाएगा। ये कटिंग शॉप पे आ गए हमारा, ये कटिंग शॉप है भाई। ये सोनू बाबू देखो, उधर बच्चा लोग खेल रहा है, खेलेगा उधर? देखो देखो वो बच्चा लोग खेल रहा है, तो वहाँ जाएगा तुम खेलने के लिए? है नहीं खेलेगा? चलो ठीक, अभी आ जाएंगे ना, तो बाल कटा लेना, उसके बाद जाना ठीक। हनुमान जी, हनुमान जी, बाबू रो रहा है बहुत कटिंग के। ये बाबू कटिंग होने लगा है। फाइनली बाबू का बाल कट चुका है, देखो है बेटा, कट गया ना बाल, अब हीरो बन गया। देखिए परी बाबू है, बाल कटवा के जा रहा है। बाल कटा लिया बेटा? बाल कटवा लिया बेटा, देखो चलो अब चलो। तो गाइस फाइनली अब बाबू के बाल कटवा के आ चुके हैं, ये देखिए। सोनू बाबू बाल कटा लिया बेटा? हाँ। अब हंस रहा है? उस टाइम तो रो रहा था तुम, उस टाइम रो रहा था ना? हाँ। कैसे बाल काट दिए? ऐसे कैसे बाल काट दिए? कैसे पापा। कैसे काट दिए बाल? हाँ। चलो तो गाइस देखिए, ये गांव के तालाब से मछली मारे हैं, ये देखिए, ये देखिए अभी मिट्टी लगा हुआ है, तो अभी जा रहे हैं साफ करने के लिए इसको, चलते हैं कुएं पे। तो गाइस देखिए, ये गांव का तालाब का मछली है, अभी मार के ले आए हैं, देख रहे हैं, पकड़ के लाए हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। अरे फाइनली ये अच्छी तरीके से पहले धो लेते हैं, कटिंग हो चुका है। गाइस अब मछली फ्राई करने के लिए मसाला ऐड कर दे रहे हैं इसमें थोड़ा। नमक मिला दिया, हल्दी मिला दिया, और वो मसाला में क्या है वो जो पिसा हुआ है?
लहसुन हल्दी मिर्चा लहसुन है मिर्चा है गोलकी जीरा लहसुन मिर्चा है गोलकी जीरा और ये सरसों का तेल कटोरी करता था कटहल के सब्जी तो सुबह का टाइम था दोस्तों उस टाइम तो बन गया चावल और कटहल के सब्जी लेकिन अब दोपहर हो गया है दोपहर का टाइम हो गया ये देखिए और गांव का जो तालाब है वो दोपहर में ही मछली मराया है तो ये अब दोपहर के टाइम में बन रहा है मछली। दोस्तों जो कटहल का सब्जी काट रहे थे कटहल की सब्जी बनाने की जो तैयारी कर रहे थे वो सुबह का बन चुका सुबह का टाइम में बना था कटहल की सब्जी और चावल और ये जो मछली देख रहे हैं ये दोपहर के टाइम में तालाब में गांव के तालाब में जो मछली मराया है तो सबका हिस्सा लगता है तो हमारा भी हिस्सा था उसमें और हमारा भी मतलब मिला और अब ये दोपहर के टाइम का ही मछली बन रहा है तो देखिए इस तरीके से चूल्हे पर फ्राई कर रहे हैं ये इस तरीके से फ्राई हो रहा है गांव का मछली है डैम का बिल्कुल ताज़ा तालाब का ये बन रहा है कुछ मछली इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और ये होली के लिए बकरा तैयार है तो दोस्तों ये अच्छी तरीके से पक चुका है मछली अब निकालेंगे इसमें ये देखिए इस तरीके से आराम आराम से एक एक पीस दो दो पीस करके एक एक पीस करके इसको निकाल ले टोटल बिल्कुल और फिर स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से दूसरा मछली उसमें डाल के पकाते हैं इसी तरीके से सारा मछली पका लेंगे दोस्तों। तो गाइस देखिए मछली तो फ्राई हो चुका है ये देखिए मछली बन गया है अच्छा ही लग रहा है और टेस्ट करके मैं बता रहा हूँ कैसा लग रहा है बहुत बेहतरीन लग रहा है बहुत स्वाद लग रहा है गांव का फिश होता है ना जो ताज़ा ये देखिए ताज़ा जो होता है ना उसका बाकी कुछ और है ये देखिए कितना मस्त लग रहा है और खाने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है भाई। तो गाइस फाइनली अब ये मुंडी है मुंडी तला हुआ तो मुंडी भी तल चुका है अब इसको भी निकाल लेते हैं ऐसे अरे आ जा। तो गाइस फाइनली निकल चुका है अब जो थोड़ा सा बाकी है वो भी डाल देते हैं इसमें ये तेल डाल दिए हूँ और हम लोग देसी स्टाइल से बिल्कुल बना रहे हैं देसी मछली देसी स्टाइल से बना रहे हैं और भी थोड़ा जो है वो ऐड कर देंगे इसी तरीके से बनाते टोटल बना लेते हैं उसके बाद टोटल इसी तरीके से बनाते टोटल और देखिए इधर सोनू बाबू आ गया है इधर देखो बेटा सोनू बाबू ये देखो बाल कटवा करके रेडी नहा धो करके फ्रेश तुम भी बिस्कुट ले लिए हाँ। तू भी बिस्कुट ले लिए बताओ दिन भर में 10 बार तुम लोग दुकान जाती है बताओ काका बिस्कुट कुकू और इधर देखिए गाइस मछली ये फ्राई होकर रेडी हो गया है अब इसमें तरी बनेगा तरी बनने जा रहा है और तरी मछली के तरी बनाने के लिए तेल में सरसों डल चुका है अब इसका तरी बनेगा ये देखिए कैसा तरी बनेगा मस्त बिल्कुल
तो गाइस देखिए अब तरी जो है बिल्कुल खोल चुका है, ये पक चुका है। अब इसमें मछली डाल देंगे, डालो इसमें मछली डाल देंगे और बस एक मिनट के लिए रहने देंगे। मछली फ्राई पहले से है, तरी भी पक चुका है, बस एक मिनट के लिए उसको गर्म कर देंगे, हो गया काम उसके बाद।